मतलब नमस्ते जनता, हाउ आर ऑल, दिस इज आदित्य गुडेकर, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। सो करेंटली आई एम लिविंग इन अमरावती बिकॉज बहुत टाइम से ना भाई स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद है, इसलिए जब से कोविड चालू है तब से मैं अमरावती में ही हूँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि वापस पुणे जाने का टाइम आ गया है बिकॉज स्कूल कॉलेजेस ओपन होने के थोड़े से चांसेस दिख रहे हैं। नाउ वी आर बैक इन पुणे, और भाई साहब बता रहा हूँ मैं, अगर ऐसे ट्रांजेक्शन करके अगर कोई पुणे में आ जाए ना तो बहुत बड़ा मैजिशियन है, और मैं कह रहा हूँ मैं बन सकता हूँ। तो पुणे आने का मेन रीज़न क्या है उसके बारे में मैं बाद में बात कर दे, क्योंकि अभी का सीन ऐसा है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम शहनशाह है, और ये शहनशाह बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला बंदा है, कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। तो हम भाई एक साल के बाद मिलने वाले हैं, तो उसके रिएक्शन कैच करने के लिए मज़े आने वाले हैं, क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। मैंने उसको बोला कि हमारी कॉमन फ्रेंड है और मेरा एक सामान लेके आ रही है, तो तू जाके पिक करना, अभी रिएक्शन कैच करने में मज़ा आएगा, तो एंड तक देखना क्योंकि उसको पता नहीं मैं आ रहा हूँ। यार अभी ना लोकल वगैरह सब बंद है, तो मेरे को बस से जाना पड़ेगा। ये वाला बस स्टॉप भी बंद है, अब बस रुकेंगी कहाँ पे? यार एक साल पहले ना बस वहाँ भी रुकती थी, अब मेरे को 1 किलोमीटर चल के ना दूसरे स्टेशन पे आना पड़ रहा है बस पकड़ने के लिए। तो ना फाइनली वी आर एट बन गार्डन, और अभी शहनशाह का वेट करते हैं और देखते हैं कि कब वो आता है और कब उसकी रिएक्शन कैच करते हैं। तो यार अभी शहनशाह आ गया है, लेकिन पता नहीं मेरी क्यों पटरी उसको सरप्राइज करने में। अब क्या यार सांस नहीं आ रही है, चल अंदर से ना थका भी हो और थोड़ी सी फट भी गई है, पता नहीं क्यों फट रही है उसको सरप्राइज करने में। ये इधर गाड़ी पे बैठा है, मेरी घर तो नहीं आने वाली हो। मतलब बात मत कर तू मेरे से, पता नहीं मैं तेरे को सरप्राइज करने के लिए ना मेरी फटरी थी। मतलब मैं को इतना कांप रहा बोला, इतना मतलब मेरे पैर से कांप रहा, अभी पता है मेरे पैर में ताकत नहीं रही है। मैं करवाने को आएगा खाली फुगर नंदे, अरे रोज का देखो आज भी पहले बोल रहा। फाइनली हो गया, मिल गया शहनशाह भाई, नमस्ते करो। अभी थोड़ा रो दो, मेरे को थोड़ा सा व्यू चाहिए, थोड़ा रो दो अभी मेरे पास, ऐसा तो रो दो। मेरे को 2 दिन हो गया आए हुए। खाना खाया? हाँ खाना तो खा के आया, तू आया क्या? मैं भी खाया था, तो नहीं खाया। हाँ चल फिर हम बर्गर खाने जाए, वो उधर हाँ वो वाले इसमें। इतनी बार आ गए लेकिन ये जगह का नाम नहीं पता मेरे को क्या है। हाँ। लोग बोलते बर्गर किंग है। हाँ। लेकिन पता नहीं यहाँ पे मिलता है बर्गर, ऊपर में एक बर्गर लेने के लिए इतनी बड़ी लाइन में खड़ा है बोला। हेलमेट बीच में आ रहा है सर, ले ले। ये रहा हमारा बर्गर का बिल, हैमबर्गर 80 का हो गया था और जंबो 100 का, दो कोल्ड ड्रिंक लिए थे तो 230 हो गया। बहुत सस्ता है भाई, बहुत सस्ता। नाम लिखते नाखून से नाम लिखेंगे, देख रहे हो साइज जी, ये वाला जंबो ये वाला है। मैंने भाई खाते खाते हक दिया है, ठीक है इधर भी है। अच्छा उधर भी है। ये बर्गर किंग पे कभी भी आओ, घर भी तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ भाई संडे, आज संडे है, रोड पे कोई है नहीं रोड पे, लेकिन उधर घर भी मिलेगा, मतलब मिलेगा। आज का बहुत हो गया, आप ही के मस्त। अभी और कुछ अगर मस्ती करना होगा तो फिर करेंगे। ये बोल रहा घुमर घुमर करेंगे, ये सर्कल बनाएंगे तो बीच में घुमर घुमर करेंगे। अभी जो हम चश्मम करने वाले ये हमने बहुत सारे डांस में किया है, तो अभी हम बहुत दिनों बाद करने वाले। इस लॉक को एंड अपन चश्मम से कर रहे हैं और लास्ट फाइनल दुख गया, कितने सारे रिटेक लिए, दब गया मेरा छाती अंदर, दब गया पीछे से।
मैं तो और पहले से पतला हूँ। आय हाय हाय, जरा वीडियो आवडला असेल तर लाईक करा, नसेल आवडला डिसलाईक करा, सबस्क्राइब नक्की करा। आपण भेटू नंतरच्या ब्लॉग मध्ये। सबस्क्राइब करा, सबस्क्राइब करा, भेटू नंतरच्या ब्लॉग मध्ये, बाय।